हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम वाणी में। मैं राधिका गर्ग आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ एक खुशखबरी के साथ। ये खुशखबरी क्या है? अगर आपने अपनी टीचिंग कोर्स को कंप्लीट कर लिया है या फिर आप अपने फाइनल पॉइंट पर हैं, मतलब फोर्थ सेम में हैं, तो आपके लिए है ये खबर, आपके लिए है ये वीडियो। क्या है कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल है उसकी वैकेंसी निकली है, और वो अगर आपने टेट का अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है तब भी आपके लिए, आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। तो उसके लिए हम बात करते हैं, उसके नोटिफिकेशन से ही बात करते हैं। उसके नोटिफिकेशन में ये लाइन साफ साफ लिखी हुई है कि सी टेट टेट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपियरिंग दी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, कि इसका जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसके लिए टेट या सी टेट कंपल्सरी नहीं है। तो अगर आपने अभी तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है टेट का, सी टेट का, सिर्फ आपने अभी तक अपनी जो है टीचिंग कोर्स को कंप्लीट ही किया है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एग्ज़ाम में बैठने के लिए। इसके लिए जो डेट है वो है 21 और 22 नवंबर 2020, ठीक है। तो अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो आप बात करेंगे उनकी जिनकी ग्रेजुएशन हुई है और बीएड हुई है, तो आप किस किस का फॉर्म भर सकते हैं। आप टीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं जिसमें आपके ग्रेजुएशन में जिस भी सब्जेक्ट से आपने की है उसमें 50% मार्क्स तो आपको चाहिए ही, और बीएड में भी आपको 50% मार्क्स चाहिए। इसी तरीके से आप पीआरटी का भी भर सकते हैं, उसमें ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन की हुई हो आपने, और 2 ईयर डिप्लोमा भी चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का जिसमें कि आपके 50% मार्क्स चाहिए। मतलब आप क्या है टीजीटी और पीआरटी के लिए एलिजिबल हो चुके हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए, इसका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट को देने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि आप सबसे पहला आपके लिए पेपर होगा, अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपको ऑनलाइन मोड में होगा जैसे कि एग्ज़ाम, तो आपको ऑनलाइन पेपर देना आ जाएगा कि किस तरीके से ऑनलाइन पेपर दिए जाते हैं, उसका क्राइटेरिया, उसका पैटर्न, उसको देने का तरीका पता चल जाएगा। इससे क्या है आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा एग्ज़ाम में बैठने का। दूसरा पॉइंट है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस होंगे। अब बच्चा कितना भी समझदार हो लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठता है तो कुछ लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना जो टाइम मैनेजमेंट है वो कर सके, सीख सके। फिर थर्ड पॉइंट है इसमें कि आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चलेंगे कि मैंने तैयारी तो कर ली है लेकिन एग्ज़ाम में जाने के बाद कहाँ पर मुझे दिक्कतें आई हैं। फिर इसी में आता है आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन देख करके आपको लगा कि ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, इसका तो मैंने बहुत ही जल्दी जवाब दे दिया। तो आपको इस एग्ज़ाम को देने से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट्स का बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। जैसे कि अभी कोई और टीचिंग वैकेंसी भी नहीं आ रही है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, जो आपका फ्री टाइम है वो भी कंज्यूम हो जाएगा। अभी लोग क्या है, लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ है, 6-7 महीने हो गए लोग घर पे बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा पढ़ाई से दूर भी हो गए हैं कुछ लोग, तो आपका फ्री टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाएगा, वापस से आपको पढ़ाई की तरफ ले करके जाएगा। इसका एक और प्लस पॉइंट क्या है कि आगे जब आप DSSS, BKVS, NVS इनके एग्ज़ाम देंगे तब आप फ्रेशर टाइप का फील नहीं करेंगे, क्योंकि उसके भी एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन मोड में होते हैं, तो आप एक्सपीरियंस हो चुके होंगे, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप अपना टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, आपको अपना पता चलेगा कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, किस चीज़ मेरी ख़राब है, तो मुझे उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। और अब हम आगे बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। इसमें जो है टोटल 3 स्टेजेस होती हैं। पहला स्टेज में होता है स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, जो कि ये ऑनलाइन होगा 21 और 22 नवंबर को 2020 में ही। इसमें क्या है कि आपको ऑनलाइन देना होगा, इसके बाद आपके हाथ में एक स्कोर कार्ड आ जाता है, जिसके अगर आपका मतलब स्कोर कार्ड अच्छा है तो आप आगे की स्टेजेस देने के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, इसमें ये अच्छा है। और अगर आपके पास ऑलरेडी स्कोर कार्ड है, जो फ्रेशर नहीं है ये बात मैं उनके लिए बता रही हूँ, तो वो अपना इम्प्रूव करने के लिए स्कोर को भी दे सकते हैं, या फिर जिनके पास टीजीटी का स्कोर कार्ड है वो पीजीटी के लिए भरना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। लेकिन आज का हमारा मेन पॉइंट है फ्रेशर्स के लिए, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा अपना टाइम मैनेजमेंट, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए ऑनलाइन पेपर। और हम आगे बात करते हैं इसके स्टेज 2 और 3 के बारे में। इसका स्टेज 2 होता है इंटरव्यू। इसमें क्या है कि आपके पास अगर आपका स्टेज 1 में जो स्कोर कार्ड है वो अच्छा है तो आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। फिर आपको क्या है इससे भी एक्सपीरियंस होगा इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी इंक्रीज होगा, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरे ख्याल से तो आप सभी को भर ही लेना चाहिए ये एग्ज़ाम।
फॉर्म। फिर है इसका स्टेज थ्री आता है, अगर आपने स्टेज टू पार कर लिया है उसके बाद आपका इवेल्युएशन होता है आपकी टीचिंग स्किल का और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का, तो इसका भी एक अलग प्रोसीजर है वो उनका। तो अगर आप इसके लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छा है। अब हम आगे बात करते हैं, मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये जो है ये एडहॉक है, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, ना कि ये परमानेंट बेसिस पर है। अब मैं सबसे लास्ट में इसके बारे में बात करूँगी, एग्ज़ाम सेंटर के बारे में। आप कहीं से भी हैं, यूपी से हैं, दिल्ली से हैं या फिर किसी और जगह से, हर जगह इसके एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। टोटल इसमें 74 एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, जैसे कि आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, अमृतसर, बेंगलोर, बरेली, चेन्नई, दिल्ली, दुर्गापुर और हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, झांसी, जोधपुर और भी हैं इसमें, दिल्ली है, देहरादून है, गंगटोक है, गाज़ियाबाद है। अब हम इसके बात करते हैं सिलेबस की, ये तो आपको पता चल गया एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर है और आपको एग्ज़ाम देना भी चाहिए। अब अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके लिए दो पार्ट में होगा ये पेपर। पहले पार्ट में क्या होगा, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन आएगा, एजुकेशन कंसेप्ट एंड मेथडोलॉजी आएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन और आई टी आएगा, जो कि टोटल 90 मार्क्स का होगा। और पार्ट बी में आएगा जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म फिल किया है उसका सब्जेक्ट का क्वेश्चन आएंगे, जो कि 90 मार्क्स के होंगे, तो टोटल आपका 180 मिनट का होगा एग्जाम पेपर। और अगर आप ये एग्जाम पीआरटी के लिए भर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही पार्ट होगा जिसमें जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, एजुकेशन कंसेप्ट एंड मेथडोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन, आईटी, जो कि 90 मार्क्स का होगा और 90 ही मिनट का होगा। तो आई होप आपको ये तो पता चल गया कि इसका सिलेबस क्या है, कहाँ इसके सेंटर्स हैं, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, जिसने अभी अपना टीचिंग कोर्स कंप्लीट किया है वो लोग ज़रूर भरें मेरे ख्याल से इस एग्ज़ाम को, और आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।